और ये रहा मेरा मेहंदी का कलर, कितना खूबसूरत आया है ना, कितना खूबसूरत रंग लगा है। ये मेरी सास की मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक हैं। आज जल्दी जल्दी तो खैर मैं डेली उठ जाती हूँ, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर सोती हूँ। आज सोई नहीं, व्लॉग एडिट करना था, रात को हमने व्लॉग एडिट नहीं किया था, अपलोड कर दिया। अभी नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी है और आज फाइनली मैं दुल्हन बनने जा रही हूँ, 14 साल बाद दोबारा से दुल्हन बनने जा रही हूँ। तो आज हमारा ब्राइडल शूट होने वाला, ये सरप्राइज था जो कि मैंने कल से रखा हुआ था। जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने मुझे कहा कि सरप्राइज रखना, उसी दिन ही बताना, पहले मत बताना, तो सरप्राइज अच्छा लगता है। तो आप सबके लिए भी सरप्राइज हो गया, तो मतलब अभी देखते हैं कैसा मेकअप होता है। अभी मुझे जल्दी जल्दी जाना, फ्रेश होना। हमारी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है शूट के लिए, सारा अंदर जो है ना सारा वो सेटअप कर रही है ड्राइंग रूम में। मैंने उनको 10 मिनट का बोला कि 10 मिनट में आती हूँ, बस अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मेहंदी का कलर बहुत खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा है ना, बस मैं नहा धो के फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ वापस। हमारी चुटकी भी उठ कर आ गई, ये अपना खेलती रहेगी, तो नहीं आना, तंग नहीं करना, इधर ही खेलती रहो, जाओ अम्मा के पास चली जाओ। और हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक शीबा, आप सुनो, आप कैसी हो? सब कुछ रेडी हो गया? और अच्छा, दुल्हनों वाला, जैसे शूट भी तो दुल्हनों वाला हो रहा है। तो ये खूबसूरत सी हमारी ड्रेस है, फुल रेड पहनने वाली हूँ आज मैं। और ये साथ की ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। मैंने वो कुंदन टाइप नहीं ली, क्योंकि वो मैंने कहा वो हम पहनाते रहते हैं। हाँ हाँ सही है, ये भी अच्छी लग रही है। हाँ ये तो जब फिर पहनेंगे ना, फिर सही से पता चलेगा। क्या हुआ, आप आ गई वापस से रूम में? अभी लाई हूँ, किसी ने कहा हाथ खाली थे। अच्छा भाई चलो, हाँ ये भी पहन, आज मेहंदी भी तो लग गई है, पूरा प्रॉपर आज शूट हो रहा है सही से। नेल्स वगैरह लगेंगे आज। अच्छा नेल्स भी लगने हैं, चलो मैं जल्दी में चेंज करके आती हूँ। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, अभी ये मैं पहनूंगी तो सही से पता चलेगा। अम्मी आज ये वाला सूट पहनने वाली हूँ, अम्मी को पहले मैं दिखानी हूँ। अच्छा है, ये फुल शर्ट है, नीचे तक लॉन्ग शर्ट है, नीचे लहंगा आएगा। चलो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं वापस उसी जगह पर। तो जल्दी जल्दी वाला काम है, यहाँ पर मैंने अपना सूट चेंज कर लिया। और एक चीज आपने नोट की कि इस सूट में देखे मैं कितनी पतली लग रही हूँ, ऐसे बिल्कुल स्लिम लग रही हूँ ना ये। एक मतलब लंबे कपड़े आप जितना पहनो ना, लॉन्ग शर्ट पहनो उसमें पतला दिखता है, और अगर शॉर्ट पहनो तो उसमें हम मोटे लगते हैं। तो मेरी थोड़ी कमीजें जो है ना वो शॉर्ट होती हैं और ये लंबी है, तो इस वजह से इसमें मैं पतली लग रही हूँ। अच्छा लगेगा, चलो एक ये रह गई। हाँ एक तो मैंने पहन लिया, मेरे हाथ भी तो इतने मोटे मोटे हैं, चीजें देख के ज्यादा हाथ भी मेरे मोटे हैं ना। चलो यहाँ पर इनका ये सारा सेटअप हो गया, ये खूबसूरत सा मेकअप। आपके मेकअप को देख के ना मुझे अपना मेकअप याद आता है, मैं भी ऐसे सब कुछ बना के रखती थी। तो अभी यहाँ पर हमारे शूट के साथ साथ नेल्स भी लग रहे हैं, छोटे छोटे से नेल्स हैं, चलो लग जाएंगे कुछ देर के लिए। इस पे नेल कलर भी लगाओगे शिवा? नहीं ऐसे व्हाइट, ये अच्छे लगेंगे ना। हाँ नहीं अच्छे लगेंगे। और तैयबा को कितनी ज्यादा खुशी है ये सब चीजें देखने के लिए। हाँ और बाकी का व्लॉग हमारा तैयबा शूट करेगी, इसलिए मेरे साथ बैठी। अभी तैयबा को बहुत ज्यादा शौक है ये सारी चीजें देखने का। आपको लगवानी है नेल्स? मेहंदी तो कल लगवाई थी, तैयबा की मेहंदी का कलर भी बहुत प्यारा है। अच्छा मैं फिर से भूल ना जाऊँ तो आपको याद करा दूँ कि शिवा मुगल का भी यूट्यूब का चैनल है, और इसके अलावा फुल मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप पूरा मेकअप ट्यूटोरियल जो है ना देख सकते हो। अपनी शादी पे कैसी तैयार हुई थी? मैं अपनी शादी पे भी बहुत तैयार हुई थी। क्या कलर पहना था? रेड पहना था। अच्छा कितने साल हो गए शादी को? भी 14 साल हो गए ना। 14 साल में और आज फिर से दुल्हन बना दिया। हाँ देखो सर, हाँ, यार इत्तेफाक। देखो कल ही 14 साल पूरे हुए, 14 साल बाद ही मैं दुल्हन बनी। दुल्हन हाँ। दोबारा से आपने मुझे दुल्हन बना दी है। तो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, अपना मेकअप अपने खुद किए हैं। हाँ। हाँ, उसमें मैंने ब्राइडल शूट अपना ड्रेस पहना था, बस वो ट्यूटोरियल बनाया था, ऐसे कोई उस तरीके की पिक्चर विक्चर ऐसा कुछ नहीं था, बस एक मेकअप वीडियो बनाई थी। आप बताओ, कैमरे में ज्यादा पता लग रहा है? इधर की थोड़ा सा आगे कीजिए। हाँ, और आगे आगे ऐसे। हाँ। अच्छा इसमें व्हाइट लग रहे हैं ना, लेकिन ये फ्रेंच हुए हैं। व्हाइट लग रहे हैं। हाँ, मेरी लाइटिंग बीच में क्लिक करो, बीच में इसमें ऐसे ही पुश का वो फोकस होगा। आप ऐसा करेंगी चाय भी पहले पी लो, और मेरा कप भी आप मुझे उठा दीजिएगा। हाँ मैं भी साथ साथ अपनी चाय इधर रख दो। ये देखिए मेरी अम्मी कितना मेरा ख्याल रखती है, सॉक्स लेकर आई है मेरे लिए, और वो भी इतनी छोटी की, ये भी पहन के बैठो ठंड ना लग जाए।
ये न्यू निकाल के लाई है बैग से आपके लिए। अंडा पराठा लाई और इनको अंडा पराठा बहुत पसंद आया अम्मी के हाथ का। मुझे अंडे पसंद है बहुत। पसंद है ना, चलो अभी अम्मी के हाथ की आपको चाय भी बहुत पसंद आएगी, चाय पिए। ये जैसे सुबह सुबह चाय और अंडा पराठा हुआ ना, मुझे अपनी वो सैलून वाली जॉब याद आ रही है। जॉब पे भी यही होता था, वीकेंड के वीकेंड हम सुबह मिलके सारे ऐसे नाश्ता करते थे सैलून पे, बस साथ साथ छोटे छोटे ऐसे क्लिप लेते रहे, नाश्ता सुबह किया, चाय पी। अम्मी की चाय पीने के बाद एक फुल एनर्जी आ गई, उसके बाद मेकअप का काम शुरू हो गया। कैसी लगी गुड़ वाली चाय अम्मी के हाथ की? मैंने फर्स्ट टाइम पी है, सीरियसली गुड़ वाली चाय। फर्स्ट टाइम पी, फर्स्ट टाइम पी, और मैं पंजाबी, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, सीरियसली यार, गुड़ वाली चाय होती है और बहुत मजे की होती है। सब रेसिपी भी पूछ रहे थे कि गुड़ की चाय कैसे बनती है। फिलहाल तो अम्मी ने हम बता दोगी, हाँ मुझे तो बता, हाँ बता दूंगी, बहुत इजी है। नहीं ना, अच्छी लगी? आपने पहली दफा पी है? मैंने पहली दफा पी है। अच्छी लगी ना? अभी गुड़ वाली चाय पीना, सर्दियों में तो ये बहुत मजे की लगती है। और यहाँ पर चाय पीते पीते हमारा चाय बल्कि इंजॉय करते करते हमारा मेकअप भी कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे लिपस्टिक थी, लिपस्टिक भी हो गई, लास्ट थोड़ा सा टचअप था। इसके बाद तैयबा छोटे छोटे क्लिप लेती रही है, तैयबा मेरी सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बाकी यहाँ पर दुपट्टा सेटिंग था, दुपट्टा सेट यहाँ पर हो रहा था और ज्वेलरी भी सब कुछ मैंने पहन लिया। और आज का मेकअप आप बताइएगा कैसा लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, आप सब भी बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर दुपट्टे पे छोटे छोटे से ऐसे धागे थे जो कि सीजर से कट कर रहे थे, कैमरा में दिख रहे थे। और बस बाकी सब कंप्लीट हो गया और अब आगे चलते हैं शूट के लिए। यहाँ पर अभी भी रहता था, इतना वज़नी था ये लहंगा, सच में बहुत बहुत ज़्यादा हैवी था। मुझे लगता है ये 40-50 किलो से कम नहीं था, बहुत ज़्यादा वज़नी था। जो हो जैसी हो अच्छी लग रही हो और चल रही हो, सबसे बड़ी बात। हाँ चल रही हूँ, इतने वजनी लहंगे के साथ 10 किलो का मैंने लहंगा पहना हुआ है। 10 किलो से भी ज्यादा होगा है ना? 10 किलो नहीं है बहन, ज्यादा है। ज्यादा है, 30 किलो का लहंगा पहना हुआ है। ज्यादा, इससे भी ज्यादा है, 30 किलो का पहना हुआ है। आप ठीक है? हाँ तो मैं चलूंगी तो मजीद पता चलेगा ना 30 किलो का लहंगा उठा के कैसे चलते हैं। तो ये था हमारा फाइनल लुक, खूबसूरत सा मेकअप। मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज वाला मुझे मेकअप सच में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे लग रहा है आज मैं पूरी दुल्हन बन गई हूँ, 14 साल बाद वापस से वही दुल्हन बन गई हूँ। तो शिवा बहुत खूबसूरत की है मेकअप। हाँ अच्छा आ रहा है? नहीं बहुत अच्छी आ रही है। अम्मी वैसी लग रही हूँ जो इतने साल पहले मैं दुल्हन बनी थी। उससे भी अच्छी लग रही है, उससे भी अच्छी लग रही है। अच्छा चलो, लहंगा है ना वजनी, मुश्किल से उठाया जा रहा है। पता नहीं उस टाइम जब नई नई दुल्हन लड़की की शादी होती है ना, तभी शौक होता है जन्म होता है लहंगा वजनी होता है उठाने पड़ गए। अभी तो हमारी शादी से इतना अच्छा हो गया, शौक नहीं है। मेरी शादी का भी वैसे वजनी था लेकिन उस टाइम पे पता नहीं चलता था। कैसी लग रही है मम्मा? मम्मा कैसी लग रही है? बेबी मम्मा कैसी लग रही है? भाग गई। अम्मी ये बताएं ये वाला अच्छा या पहले वाला अच्छा था? वो भी बहुत प्यारा था, अभी भी बहुत प्यारी लग रही है। आज वाला या कल वाला? ये उस दिन वाला, उस दिन भी बहुत अच्छी लगी थी, आज बहुत अच्छी लग रही, आज भी बहुत अच्छी लग रही है। बताओ आपको मम्मा का मेकअप कैसा लग रहा है? हाँ जो उस दिन किया था वो अच्छा है या आज वाला अच्छा है? आज वाला, अम्मी इसको आज वाला ज्यादा अच्छा लगा है। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े किसी एक नई लोकेशन पे। लास्ट टाइम हमने अपने गार्डन में शूट किया था, वो भी बहुत अच्छा था। आज थोड़ा डिफरेंट करना था और इतना ज़्यादा मैं एंजॉय करते हुए जा रही थी गाड़ी में, जैसे एक दुल्हन इतना एंजॉय नहीं कर पाती, इधर उधर नहीं देखना होता, नीचे देखो सामने देखो ऐसे वैसे। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये शूट के बाद। लहंगा थोड़ा वज़नी था, इसके अलावा तो मैंने बहुत एंजॉय किया। चलो चलो।
इतनी खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर अभी हमारा शूट होगा, इतनी प्यारी। इस साइड पे देखो सारी बोर्ड्स कितनी अच्छी लग रही हैं, बल्कि पूरा कराची दिखता है यहाँ से। आगे चल के देखो यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सब बस तैयारी चल रही है, हो गया सेट कैमरा बस। और उसके बाद यहाँ पर हमारा फ़ोटो शूट शुरू हो गया। एक एक चीज़ बताई जाती है, हाथ ऐसे रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, ऐसे देखना है, स्माइल करना है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख भी रही हूँ, सीख भी जाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं खुश हूँ कि मैंने अपने आप को बाकी सब चीज़ों से निकाल के अपने आप को इस चीज़ इस काम में बिजी कर लिया है, और साथ साथ सीख भी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा आप कहाँ गई थी इतना तैयार हो के? हम तो कब के पैदा हो गया, शादी अब करके आई हैं। शादी के लिए गई थी। मम्मा कैसी लग रही है? सबसे मैंने पूछ लिया। अच्छी लग रही है सच में। देर के लिए मतलब मैं शूट के लिए गई हूँ बाहर, मुझे अपने बच्चों की इतना ज्यादा याद आ रही थी कि मैं बहुत ज्यादा दूर निकली हूँ। हालांकि 5 मिनट का रास्ता था, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं था। और बस बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, ये चेंज करती हूँ, निकालती हूँ इसको और बस वापस मिलती हूँ। तो ये खूबसूरत सा केक इतना प्यार से सजा के हमें देके गए थे, इतना प्यारा बनाया हुआ है ना, कितना खूबसूरती से लिखा। एक बनाना स्टार्ट किया तो मैं एक एक चीज़ चेक करती हूँ कि ये कहाँ से बनाई होगी, ये कितनी मेहनत हुई होगी, ये जो ये लिखे हैं, ये आयत ने निकाली है। यहाँ फ्लावर बनाने पे, ये हार्ट बनाने पे कितनी मेहनत होती है। वाह, ये गोल्डन गोल्डन, इसमें इतनी शाइनिंग है, ये क्या है? जैसे लगता है जैसे मेकअप हो। मामा आपके लिए केक लाइए, ये लो। मजे का केक है, कब से ऊपर से ये हार्ट तोड़िए, हर एक चीज तोड़ तोड़ के खा रही है। आईपैड तैयब उसके साथ बैठ जाओ। साइड पर अम्मी जो है ना अमरूद काट के बैठी है कब से मेरे लिए, के साथ में आके खाओ। अम्मी आपने खाए नहीं खाए? मैंने खा लिया। मेरे लिए अम्मी सारा दिन फ्रूट काट काट के लेके रखती रहती है, आप क्यों नहीं खा रही? अभी कुछ नहीं, बस ऐसे बड़े। हाँ अच्छा चले साथ खाते हैं। मैंने खाया खाया सारा दिन, ऐसे भूखी रहते ना कुछ खाती है ना। अच्छा मेरे हाथ से तो खा ले। मैंने खा लिया, छोटा छोटा। चलो अम्मी मेरे सामने खाएंगी तो मुझे खुशी होगी। ये ले। तो मैं अभी आ गई हूँ अपनी वापस इस हालत में। मम्मा का शहजादा कितना प्यारा है, बहुत प्यारे हो आज तो, बेइज्जती हो गई प्यारे की। नेल लगा लिया आज इस मेरे प्यारे की ना, जो है ना बेइज्जती हो गई। इसके फ्रेंड की आई हुई थी कॉल, वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। और क्या खाया इसने? हाँ ऑरेंज खाए, ऑरेंज के छिलके रखे हुए थे वहाँ पे सोफे पे। और केक भी खाया तो केक की प्लेट वही, चम्मच वही। तो मैंने ऐसे ना मोबाइल लिया और थप्पड़ लगाई थी या नहीं लगाया था? नहीं लगाई, पता नहीं थप्पड़ लगी या नहीं लगी, लेकिन मैंने इसको डांटा ऐसे गुस्से में ना, तो मोबाइल जैसे लिए, वीडियो कॉल भी चल रही है, मैं मोबाइल लेकर ऐसे खड़ी हूँ, इस पर मैं ऐसे गुस्सा करी, ये क्या किया हुआ, ये देखो सोफे की हालत। और इस साइड पे मैं देख ही नहीं रही कि इस साइड पे ना वीडियो कॉल चल रही है, और वो बच्चा देख के मुझे हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसने कॉल कट कर दी। मैंने की है, उसने नहीं की। फिर मैंने जब देखा मुझे मेरी तरफ देख के हंस रहा है, फिर मैंने ऐसे कैमरा किया और मैंने बंद किया। हाँ जब मैं इतना गुस्से में थी तो एकदम फिर मुझे हंसी आ गई कि मुस्तफा की आज स्कूल में बेइज्जती होगी। सुबह वैसे भी मैं सुबह नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि अभी पेपर खत्म हुआ, आज गेम्स था इसलिए खत्म हुआ। हाँ तो कल छुट्टी तो नहीं है, कल फ्राइडे है, कल तो मैं तो करूंगा ना। हाँ अच्छा, इस वजह से कि इसकी थोड़ी बेइज्जती हो गई है इस वजह से नहीं। अरे वाह तैयबा ने तो बहुत अच्छे से बना के अपना केक लिया, साथ में फ्लावर हार्ट भी ले लिया, फ्लावर भी ले लिया, और ये गोल्डन भी आ गया, और ऊपर भी ये आपने लगाया। मम्मा मेरा दोस्त वापस से कॉल कर रहा था। हाँ पता, अभी अभी बात से मुझे बात करने दो। तो अम्मी को जो है ना मेरे नेल्स जो है ना पसंद नहीं है, अम्मी कहती है व्हाइट नेल्स है। व्हाइट नेल पिंक होते हैं और कलर के होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अम्मी को मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा, सब बहुत प्यारा, बहुत सब बहुत प्यारा लगा, बस अम्मी को ये नहीं अच्छे लगे। हाँ ये अच्छे लगे। अम्मी क्या अम्मी कौन सा कलर होना चाहिए? पिंक होना चाहिए, ब्लू ऐसे थोड़ा सा। और कलर को ये नहीं लगा। अम्मी को व्हाइट कलर जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, अम्मी कहती है इसमें ना कलर वाले नेल तुम्हें क्यों नहीं लगा, ऐसे व्हाइट क्यों लगा दिए। तो मैं बनाने वाली हूँ अभी चाय। आज पता है क्या हुआ है, फूड पांडा से हमारे घर पे पत्ती खत्म हो गई थी सुबह सुबह,
जब शूट हो रहा था तो सबको चाय पीनी थी, जल्दी में मैंने फूड पांडा से ऑर्डर किया और मुझे लगता है गलत क्लिक हो गया, मैंने साशे मंगवा लिए। तो ये सारे साशे देकर गए, चाय जैसे पूरा एक पैकेट होता है ना उस तरीके का नहीं देखे। कि आज भी अम्मी के हाथों की दाल बनी हुई, दाल अम्मी के हाथों की इतनी मजे की होती है ना, ये एक दिन छोड़ के डेली हमारे घर में दाल पकती पकती। बाकी इस साइड पर मेरे हाथों की मशहूर चाय पक रही है। आपने फरमाइश की होगी अम्मा को ये घी वाली रोटी की, है ना, कि मुझे चाय के साथ पराठा खाना है ना, बोला है ना, सच सच बताओ बोला ना। मैंने कहा था घी की रोटी बनती है या फिर घी का सिर्फ पराठा बनता है, फिर उन्होंने कहा घी की रोटी बनती है। तो इसको ये था कि रोटी अम्मी बना रही है तो घी वाली रोटी बना दो, पराठा बन रहा तो पराठा बना दो, है ना, यही बोल रही थी। नहीं, फिर क्या बोल रही थी? मैं असल बात यह कि इसको चाय वाला पराठा खाना, चाय के साथ पराठा खाना है, यही बात है ना, है ना। बस हो गई आपकी विश पूरी, अम्मी ने आपके लिए बनाया हुआ। आज चाचू को ठंड भी बहुत लगी हुई है, चाचू मीठा भी खा रहे हैं। अम्मी अभी ये गुड़ ले मुझसे लेके आए थे, खाने के बाद ना थोड़ा मीठा खाना सुनना तरीका है तो। सुनना वो तो सब खाते हैं, वो फिर मीठी चाय, शुगर है ना तो मीठी चाय है। कोई बात नहीं, मैं तो सोना ना भी खा लेता हूँ। हाँ अम्मी देखे सब कुछ खाते हैं, इसे परहेज कीजिए, ऐसे करता है कि मिठाई का डब्बा दे दे तो पूरा खा लेता। मम्मा आपको पता है मैंने अभी अभी ना एक फेक इंस्टा का अकाउंट बना, फेक नहीं एक इंस्टा, नहीं 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 नहीं, मैंने अभी अभी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, तो क्या आप उसका प्रमोशन कर देंगी? आपने बनाया तो कभी भी नहीं करूंगी। अरे मेरे हमारे स्कूल में ना बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा अकाउंट बनाया, एक बच्चे के ना 9 क्लास में है, उसके 4000 फॉलोअर हैं। मैंने कहा मेरे ज्यादा हैं, कहते तुम्हारी अम्मी के हैं, मेरा दोस्त कहता है। मैंने कहा ठीक है कुछ वक्त तक करूंगा। अब्बू आपके ऊपर वाले दांत कब लगेंगे? वो अगले हफ्ते को, अगले हफ्ते को। लोहे के बांधे हैं ना। अच्छा, चने खाओ छोले खाओ। अब्बू आप जब छोटे थे तब आपके घर में वॉशरूम था या फिर आप लोग सारे ओपन माइंडेड थे? अब हंस क्या कर रहे हैं? कौन कहते थे? सारे के ओपन माइंडेड थे, उधर आबादियों थी, अपने फसल से अपने मुरब्बे में जाते हैं, अपने मुरब्बे में जाते हैं। अभी भी इधर आओ, क्या नुकसान करके आई थी? क्या किया है? क्या किया? क्या किया? मुस्तफा ने किया, मुस्तफा ने किया। जल्दी क्या किया जल्दी बताओ, टीचर ने कुछ किया है? इसे कुछ मारा होगा, मेहंदी लगाई है। पापा कहाँ चले गए? पापा शॉपिंग पे गए। करो बात करो, पापा है आपके, पापा है, बात करो। इतनी खुश हो रही है, पापा का फोन आ गया। आप ये मोबाइल किसी को भी नहीं देगी, बस इतनी ज्यादा खुश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आज का हमारा व्लॉग वॉच करने के लिए, और आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। थैंक यू सो मच आज का व्लॉग वॉच करने के लिए, और बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।